वेलकम टू माय चैनल श्वेता शिल्प कला केंद्र। मैं आप लोगों को फैब्रिक पेंटिंग सिखा रही हूँ। आज मैंने रैबिट, बनी रैबिट कार्टून के रूप में लिया है। ये देखिए, स्किन कलर से इसके चेहरे को करूंगी। उड़के सारा स्किन कलर कर लिया है। अब मैं इसको वाइट बनाऊंगी। अब इसको मैं वाइट कलर से करूंगी। ये वाइट हो जाएगा। पूरा और इसके अंदर का जो है पिंक कलर हो जाएगा। ऐसे प्लेन इसको भर देंगे। ये कपड़ा है, इसको मैं पिंक कलर, एप्रन पहना हुआ है तो इसको मैं पिंक कलर कर दूंगी प्लेन। किनारे किनारे कर लेंगे, फिर हम बीच में मोटे ब्रश से करेंगे। अब मैं वाइट में थोड़ा सा ब्लैक टच करके ये मैंने कलर बनाया है और इससे मैं आउटलाइन करूंगी। और बीच में ये थोड़ा सा वाइट लेके मिक्स कर दूंगी तो अच्छी सी शेडिंग आई। आप प्लेन भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मुझे शेडिंग पसंद है, मैं शेडिंग करूंगी तो खुद को भी अच्छा लगता है और देखने में भी सुंदर लगता है। आप प्लेन भी बना सकते हो लेकिन थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। इसके हल्का हल्का से मैं बाल देने की कोशिश कर रही हूँ, टच करने की, ताकि ब्रश उसी स्टाइल में घुमाएंगे जिस स्टाइल में हमारा रैबिट का
बॉडी है। अभी मैं स्लेटी कलर, डार्क स्लेटी कलर से कर दे रही हूँ, तो फिर बीच में मुझे लाइट कलर करना आसान होगा। जैसे ये देखिए, अब मैं इसको देखिए, अब बीच का भरना है मुझे, तो मैंने 0 नंबर फ्लैट ब्रश, 1 नंबर 0 नंबर से आराम से आप भी कर सकते हो, 1 नंबर 0 नंबर के फ्लैट ब्रश को आउटलाइन कर रही हूँ 0 नंबर ब्रश से। ये 0 नंबर ब्रश है, 000 नंबर, उससे मैं आउटलाइन कर रही हूँ बहुत धीरे धीरे। इसको वाइट बना ले रहे हैं, उसके बाद शेडिंग देंगे। तब मैं थोड़ा सा ब्लैक से शेड दूंगी। ये हल्का सा हेयर बन रहा खरगोश का। बस थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा वाइट भी देंगे हम। ये बीच का पोर्शन मैं वाइट कर रही हूँ। सूख जाएगा तब मैं ब्लैक करूँगी। अब देखिए, ब्लैक से मैंने आउटलाइनिंग कर दी और शेडिंग मैंने एश कलर, डार्क एश कलर से किया है। बच्चों को कलरफुल कार्टून ही पसंद आता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि कलरफुल रैबिट बने। ये कार्टून आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और आप यदि हमारे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर टच करें। ओके, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।